हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है टेक केस के चैनल वन नाइन। आज आपका फ्रेंड, तो फ्रेंड इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि फ्रेंड यदि आपके पास भी फ्रेंड लैपटॉप पे फ्रेंड, तो हमने जो है उसमें यूएसबी कनेक्टिंग कैसे करेंगे फ्रेंड, और फिर मोबाइल को कनेक्ट करके फ्रेंड सारा जो है फाइल डेटा वहाँ से हम कैसे देखेंगे फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाले हैं। सो फ्रेंड यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्रेंड आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाता रहूं। सो फ्रेंड बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड यहाँ पे हमने लैपटॉप में फ्रेंड जो अपने मोबाइल के यूएसबी को कनेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि फ्रेंड हमने लैपटॉप में मोबाइल की यूएसबी के द्वारा मोबाइल को कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके बारे में फ्रेंड आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले। सो फ्रेंड सबसे पहले फ्रेंड हमने यहाँ पे लैपटॉप को ऑन कर लिया, एंड ऑन करने के बाद फ्रेंड जो है यहाँ पे ऑन करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्रेंड जो है यूएसबी पोर्ट यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे यहाँ पे फ्रेंड देखिए यूएसबी पोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड हमने इस यूएसबी पोर्ट में फ्रेंड जो है यहाँ पे हमने डेटा केबल ले लिया है फ्रेंड, एंड फ्रेंड डेटा केबल को हमने यहाँ से कनेक्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड हमने यहाँ पे डेटा केबल को कनेक्ट करते हैं, एंड फ्रेंड यहाँ पे देखिए जस्ट फ्रेंड हमने यहाँ पे डेटा केबल को कनेक्ट कर दिया, एंड डेटा केबल को कनेक्ट करने के बाद फ्रेंड जो है यहाँ पे देखिए कुछ जो है हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, एंड फ्रेंड उसके बाद फ्रेंड एंड जस्ट फ्रेंड देखिए यहाँ पे जैसा कि फ्रेंड हमने यहाँ पे यहाँ फ्रेंड हमने डेटा यूएसबी को कनेक्ट कर लिया है लैपटॉप में, एंड फ्रेंड लैपटॉप में कनेक्ट करने के बाद फ्रेंड हमने यहाँ पे देखिए अपने मोबाइल में यहाँ पे फ्रेंड कनेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मोबाइल में हमने कनेक्ट किया, एंड कनेक्ट करने के बाद फ्रेंड हमने यहाँ पे एक सेटिंग करना है, जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे चार्जिंग का सेटिंग है, तो फ्रेंड हमने यहाँ पे सेटिंग को ऑन करेंगे, एंड फ्रेंड सेटिंग को ऑन करने के बाद फ्रेंड हमने यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करा है। सो फ्रेंड यहाँ पे देखिए यहाँ फाइल ट्रांसफ़र एंड एंड्रॉइड पर हमने क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे फाइल ट्रांसफर एंड एंड्रॉइड पर हमने क्लिक करेंगे। जैसे फाइल ट्रांसफर एंड एंड्रॉइड पर क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो हमारे फ्रेंड यहाँ पे पीसी स्क्रीन पे फ्रेंड यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन पे फ्रेंड जैसा कि फ्रेंड देखिए यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन पे अभी शो करने लगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड यहाँ पे ओप्पो A74 5G यहाँ पे फ्रेंड देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, एंड फ्रेंड इसको हमने अगेन चालू करेंगे तो फिर यहाँ पे ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ओपन पर क्लिक करेंगे फिर हमारे मोबाइल की जितना भी फ्रेंड यहाँ पे स्टोरेज है फ्रेंड यहाँ पे शो करने लगा। सो फ्रेंड देखिए इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज एंड फ्रेंड SD, तो फ्रेंड हमने यहाँ पे फ्रेंड जो है कुछ जो भी फ्रेंड हमने यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है, तो फिर यहाँ पे चलिए हमने अपने मोबाइल के स्टोर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि फ्रेंड हमने डाउनलोड करके रखा है, तो फ्रेंड उसको हमने अपने लैपटॉप में लेना है, तो फ्रेंड हमने डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ फिर हमने सर्च पर हमने क्लिक किया, जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे फ्रेंड यहाँ पे हमने सर्च पर फ्रेंड यहाँ पे हमने सर्च एंड फ्रेंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमने यहाँ पे डाउनलोड फ्रेंड जैसे क्लिक किया, तो फिर यहाँ पे हम जो है फ्रेंड यहाँ पे हमने आधार कार्ड को डाउनलोड करके रखा है, तो फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा आधार कार्ड फ्रेंड यहाँ पे कहाँ है कार्ड है फ्रेंड, इसको हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड हमने यहाँ पे कॉपी करेंगे, एंड फ्रेंड कॉपी करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने पीसी में, एंड जस्ट पीसी में आने के बाद फ्रेंड जैसे फ्रेंड हमने यहाँ पे पीसी पर क्लिक करेंगे, तो फ्रेंड हमने यहाँ पे अपने स्टोरेज में आ गए हैं फ्रेंड लैपटॉप की स्क्रीन के स्टोरेज पे। फ्रेंड हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड जो जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो कर रहा है, तो फ्रेंड हमने यहाँ पे कहीं भी जो इसको पेस्ट कर देंगे। सो फ्रेंड चलिए हमने लोकल डिस्क ई में यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं अपने आधार कार्ड को स्टोरेज को। सो फ्रेंड चलिए हमने यहाँ पे जैसे फ्रेंड यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जैसे क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए पेस्ट पे आ जाते हैं, एंड पेस्ट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, एंड फ्रेंड यहाँ पे देखिए पेस्टिंग हो रहा है। सो फ्रेंड इस प्रकार से फ्रेंड जो है हम अपने मोबाइल को फ्रेंड लैपटॉप की स्क्रीन लैपटॉप से फ्रेंड यूएसबी के माध्यम से कनेक्ट करके फ्रेंड कोई भी फाइल हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।